पहले मैं म्यूट थी क्या? यस मैम, मैंने कर दिया। आप सभी का मैं आत्मजागृति परिवार में हृदय से स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं जैसा कि आज सोमवार है, एवरी मंडे को हम संत रीड करते हैं। उसमें ध्यान के साथ साथ किसी भी संत के, ऋषि के बारे में उनके चरित्र का वर्णन होता है। तो आज पहले हम चलेंगे ध्यान में। ध्यान में ले जाने के लिए हमें पूनम कपूर जी आई हुई हैं, वो हमें आज ध्यान करवाएंगी। फ्रेंड्स, वो पहली बार ध्यान करवा रही हैं, आशा है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और ध्यान भी बहुत अच्छा होगा। ओवर टू यू पूनम जी। थैंक यू, थैंक यू। स्टार्ट करें, म्यूजिक लगवा दीजिए। जय यस मैम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा। और जय श्री पूनम पहली बार करवा रही हूँ, घबराहट हो रही है मुझे। घबराने की जरूरत ही नहीं है, अच्छे बच्चे नहीं घबराते। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप आनापाना सती की पोजीशन ले लें। हेलो मास्टर्स, मैं पूनम कपूर अब आपको ध्यान की दुनिया में ले चलती हूं। सब मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन, दिल से तहे दिल से करती हूं आत्मवंदन। जिन लोगों ने चश्मे पहन रखे हैं उसे उतार दें और अपनी फिंगर्स को इस तरह से क्रॉस कर ले। जो भी नए लोग हैं, पुराने लोग तो जानते ही हैं, और पैरों को भी ऐसे क्रॉस करके बैठना है और एक अपनी कंफर्ट सी जगह ले ले जिसमें तुम आप आराम से मेडिटेशन कर पाए। अगर किसी को पानी पीना है तो वो भी पी सकते हैं। और बड़े प्यार से अपनी आंखों को बंद कर ले। जब तक मैं ना कहूं तब तक आप आंखें ना खोले। अब आप एक लंबी सांस भरें। ये क्रिया हम सब 3 बार दोहराएंगे। एक लंबी सांस भरें, होल्ड करें 1 सेकेंड और फिर धीरे धीरे छोड़ दें। इस क्रिया को हम दोबारा करते हैं। सांस भरें, होल्ड करें और छोड़ दें। एक बार और बड़े प्यार से धीरे धीरे सांस भरें, सांस रोकें और छोड़ दें। ना कोई विचार, किसी भी विचार को आने नहीं दें। जो आ रहा है आने दें, बस उस विचार पर कोई ध्यान ना दें। अपनी सांसों को महसूस करते रहें। आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर रही है, महसूस करें।
कहते हैं कच्ची मिट्टी का मटका तन या रूह से भरा है, पानी कौन बहाए, टूटे मटका बूंद बूंद बह जानी है। फ्रेंड्स, मैं ये चाहती हूं आप इस मंत्र को पूरी तरह समझ लें। सांसों की गति को पहचाने फ्रेंड्स, सांसों की गति को पहचाने। आप सब बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, विचारों का पीछा ना करें। जो ऊर्जा आ रही है उसे महसूस करें। इस दुनिया में आप कुछ भी चाहना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, या फिर अपने दुखों का निवारण चाहते हैं, या फिर आप सफल होना चाहते हैं, या बोले तो आप चिंता, एंग्जायटी, डिप्रेशन से निजात चाहते हैं, अपने विचारों के स्वामी आपको बनना पड़ेगा। ध्यान करने का एक यही तरीका है, ध्यान से
आप सब कुछ पा सकते हैं। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, इस समय के आप खुद मालिक हैं। ये समय आपका है। देखो, मेडिटेशन करने पत्री सर, बाबा महावतार, कृष्णा, लड्डू गोपाल सब एक साथ बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं और हम सब ने उनका हाथ पकड़ रखा है, एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो रही है, वो भी साथ में आ गई है हमारे साथ ध्यान करने। सांसों के साथ बने रहें, सांसों की नई ऊर्जा जो आपके अंदर प्रभावित हो रही है उसे महसूस करते रहें। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचालन हो रहा है। इस भावना के साथ आप बहते जाएं, बहते जाएं, बहते जाएं। आपका मन शांत हो गया है, नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है,
विचारों का पीछा ना करें, जो ऊर्जा आ रही है उसे आने दें। ग्रुप में ध्यान करने से आपकी ऊर्जा दुगनी तिगनी हो जाती है। अपने सांसों के साथ बने रहें। आप कौन हो? आप एक आत्मा हो। Thank you.
आप अपने सांसों के साथ जुड़े रहे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। हेलो फ्रेंड्स, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। ना कोई विचार मन में आने दें। कोई विचार अपने मन में नहीं आने दें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस उसको देखते रहें। देखने का प्रयत्न करते रहें। श्वासों की गति महसूस करते रहें। इससे आपका मन भी शांत रहेगा और आत्मा भी। मन तो तितली के समान, पक्षी के समान चंचल है, लेकिन इसे सांसों के द्वारा इसको कंट्रोल करा जा सकता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो ये तितली रूपी मन चंचलता सब शांत हो जाती है।
सांसों के साथ मस्ती करते रहें, बस आपकी सांस और आप। ध्यान का मतलब है कि सांसों के साथ जुड़े रहना, ना कोई शिकायत, ना कोई लड़ाई, ना कोई शिकवा। आप अपने शरीर को देखते रहें, सांसों के साथ जुड़े रहें। उठने वाली संवेदना को देखते रहें, शीघ्र भाव से देखते रहें, सावधानी पूर्वक देखते रहें। ये समय आपका है।
लास्ट का 2 मिनट्स। जब तक मैं ना कहूं, कोई आंखें ना खोले, लास्ट का 1 मिनट, वन टू थ्री फोर फाइव, धीरे धीरे अपने फिंगर्स को अलग करें और अपने हथेली अपनी आईज पर रखें और हथेली के अंदर ही अपनी आईज ओपन करें और एक हल्की सी मीठी सी मुस्कान देते हुए आईज ओपन कर दें और सब लोग अपने लिए क्लैपिंग करें जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू पूनम जी, बहुत सुंदर। म्यूजिक बीच में रुक गया, नेटवर्क चला गया रश्मि जी का, फिर भी आपने जारी रखा, ये बहुत बहुत अच्छा रहा और बहुत सुंदर कराया था। थैंक यू।